ओडिशा के दक्षिणी इलाके में कालाहांडी और बोलंगीर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की खास अहमियत है। कालाहांडी और बोलंगीर से बड़ी संख्या में लोग तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे दूसरे राज्यों में ईंट भट्टा मजदूरों के तौर पर काम करने के लिए जाते हैं, ताकि परिवार का पेट पालने के लिए रोजी रोटी कमा सके। गरीब लोग अगर कहीं कुर्बता कहीं टक्कर दे सरकार चार पांच मासे को टिक थोड़ी चोल दूंची पांच केजी चोल गुड़ दूंची कहीं टक्कर दे गरीब लोग हम कहीं टक्कर दे परिवार आठ नौ परिवार हम रोचू पांच केजी चोल न जे कितने दिन हम दिन की पोटा बुझे। इधर कुछ भी नहीं होता है, जब इलेक्शन होता है तब कुछ पैसा दे देते हैं, बस वो उसी पैसे में कितने दिन चलेंगे। पर पाँच रुपये में तीन रुपये में चावल देता है, चावल वो भी एक महीने में नहीं देता, महीने महीने में देना चाहिए, वो चार महीने पाँच महीने ऐसे लगा देता है, तो कैसे चलेंगे ये लोग। इसी वजह से वो लोग बाहर दादन खटने के लिए जाते हैं, कम से कम तो छः महीने तो वो रुक जाते हैं वहाँ पर, और जब कोई पर्व कुर्बानी होता है उसी समय ही आते हैं वो लोग। लोगों का आरोप है कि सरकार रोजगार के ज्यादा मौके देने में नाकाम रही, जिसकी वजह से सैकड़ों शिक्षित बेरोजगारों को काम की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ रहा है। देखो सरकार, हम तो गरीब आदमी है, कुछ भी कमाने के लिए जाते हैं बाहर, गांव में रोजी नहीं होता है, 200 रुपया में परिवार ज्यादा है, खर्चा करने का ज्यादा है, फैमिली ज्यादा, उसी लिए गाँव छोड़ के पूरा फैमिली जाता है। कहाँ जाते हैं? आंध्रा जाते हैं, आंध्रा प्रदेश। करीब कितना परिवार के है आपका गांव का? किसका घर में पाँच पाँच है, किस किसका घर में छह है, किस किसका घर में दो है, किसका घर में तीन है। आपका गांव का करीब कितना होगा? हमारा गांव का 300 हो कि 400 भी हो, आदमी तो बहुत गए है ना। बुढ़ा बुढ़ी हो छो, झी गोटे हो छे, सरकार घर भी नहीं देवर कीजे नहीं है, भोंगा टूटा घरे हो छो, सरकार कितने जाना, सरकार तो बुझवार नहीं ना देवर नहीं ना है क्या। कालाहांडी लोकसभा सीट से इस समय बीजेपी के बसंत कुमार पांडा सांसद हैं। वहीं बोलंगी निर्वाचन क्षेत्र पर बीजेपी की संगीता कुमारी सिंह देव ने बीजेडी के कलिकेश नारायण सिंह देव को हराकर जीत हासिल की। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं।